हाय गाइस, मेरा नाम है विजय। गाइस फाइनली जो है माइक्रोमैक्स का काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे, जब से उन्होंने अनाउंस किया कि हम माइक्रोमैक्स का जो है एक लेटेस्ट सीरीज जो है लॉन्च करने वाले हैं, जो कि इन सीरीज होगी और उसके बाद में जो उनकी ब्रांडिंग होगी वो भी जो है इन मतलब इंडिया को वो रिप्रेजेंट करेंगे। फाइनली जो है माइक्रोमैक्स ने अनाउंस कर दिया है अपना वो इन सीरीज के जो फोन होंगे वो 3rd of November को जो है लॉन्च होंगे। मतलब यहाँ पे एक फोन लॉन्च होंगे, दो फोन लॉन्च होंगे या फिर जो है काफी सारे फोन लॉन्च होंगे वो अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जो है माइक्रोमैक्स ने अनाउंस कर दिया है कि हम जो है अपनी इन सीरीज को जो है लॉन्च करने वाले हैं। हालांकि जो है वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐसा उन्होंने बोला है, और जैसे सभी को पता है कि वो माइक्रोमैक्स एक इंडियन ब्रांड है, हम उनको सपोर्ट करेंगे लेकिन एक अच्छे स्पेक्स और एक अच्छी प्राइस साथ में। गाइस वहां पर कंफ्यूजन क्या होता है, पहले क्या होता था कि माइक्रोमैक्स का जो यूआई है वो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम करता था, अपडेट नहीं मिलते थे हमें जो है जल्दी से, लेकिन अब यहाँ पे माइक्रोमैक्स ऐसा बोल रहा है कि आपको जो यूआई मिलेगा वो एकदम बिल्कुल क्लीन यूआई मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आपको स्टॉक एंड्रॉइड वाला जो है फील देगा। मतलब अगर दूसरे ब्रांड की बात करते हैं, अगर चाइनीज ब्रांड की बात करते हैं तो वहाँ पे कुछ ब्रांड ऐसे हैं जो कि काफी सारे एड्स देते हैं और उनके साथ इरिटेशन होती है, लेकिन माइक्रोमैक्स ऐसा बोल रहा है कि हम अपने फोन के अंदर जो है क्लीन यूआई आपको देंगे जो कि 3rd of November को आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। गाइस बात करते हैं स्पेसिफिकेशन की कि क्या आपको जो है माइक्रोमैक्स इन 1A के अंदर जो है स्पेक्स देखने को मिलेंगे। हालांकि बताया जा रहा है लीक के अनुसार, मिस्टर मकुल शर्मा ने जो है लीक करके बताया था कि आपको जो है माइक्रोमैक्स इन 1A के अंदर जो है दो वेरियंट देखने को मिलेंगे, जो कि होगा 2GB RAM एंड 3GB RAM एंड दो जो है चिपसेट वाले फोन लॉन्च होंगे। अब वो एक फोन होगा या दो फोन होंगे वो अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला है कि हेलियो G35 और हेलियो G85 का जो है फोन लॉन्च होने वाले हैं। गाइस अगर कंफर्मेशन की बात करते हैं तो लिस्टेड जो है ये माइक्रोमैक्स इन 1A जो कि आपको यहां पे बताया गया है कि हेलियो G35 चिपसेट आपको देखने को मिलेगा, सिंगल कोर का आपको यहां पे जो है स्कोर मिलेगा और ड्यूअल कोर मल्टीपल का जो है स्कोर आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन वही सेम जो है मिस्टर मुकुल शर्मा ने जो है यहां पे लीक करके हमें बता दिया था। बात करते हैं यहां पे वेरिएंट्स की, 2GB एंड 3GB का वेरिएंट मिलेगा जो कि होगा 6.5 इंच के डिस्प्ले के साथ में, वो होगा रेजोल्यूशन HD+ के साथ में, मतलब FHD+ आपको जो है रेजोल्यूशन देखने को नहीं मिलेगा। अभी जो फोन लॉन्च होंगे वो वहां पर 3rd of November को। प्राइस सेगमेंट अप्रोक्स 7000 से 15000 के बीच में जो है फोन लॉन्च होंगे 3rd of November को। गाइस अगर दूसरे ब्रांड की बात करते हैं तो अगर वहां पे वेरिएंट का कोई फर्क होता है, लेकिन स्पेसिफिकेशन वही रहते हैं, सेम सिर्फ वेरिएंट का ही फर्क होता है, लेकिन माइक्रोमैक्स ऐसा कर रहा है वेरिएंट के अकॉर्डिंग जो है अपने स्पेक्स भी चेंज कर रहा है। जैसे कि 2GB RAM वाले वेरिएंट की बात करते हैं तो वहां पे आपको जो है सिर्फ डुअल कैमरा मिलेगा जो कि होगा 13MP+2MP का जो है डुअल रियर कैमरा अकॉर्डिंग टू लीक्स। गाइस लेकिन अगर बात करते हैं रैम वेरिएंट अगर चेंज होता है, अगर आप जो है अपर वेरिएंट लेते हो जो कि 3GB RAM 32GB स्टोरेज, जहां पर कैमरा चेंज होगा, जहां पे हो जाएगा ट्रिपल कैमरा 13MP 5MP एंड 2MP, और वहां पे पता नहीं वाइड एंगल के लिए होगा या फिर मैक्रो लेंस होगा, वो तो यहां पे 3rd of November को पता लग पाएगा, लेकिन जो है कैमरा भी यहां पे चेंज हो गया। मुझे लगता है 13MP का मेन कैमरा, 5MP का अल्ट्रा वाइड एंड 2MP का जो है डेप्थ को कवर करने के लिए होगा, एंड 8MP का जो है फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। गाइस अगर ये स्पेक्स की बात करते हैं हेलियो G35 के साथ में, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं ये प्राइस होगा ना अप्रोक्स 7500 रुपए या फिर जो है 7000 रुपए का ये फोन हो सकता है, या फिर जो है माइक्रोमैक्स अगर हम कंपेयर करते हैं तो मैक्सिमम जो है 8000 रुपए का ये फोन होने की पूरी उम्मीद है। इसके साथ में जो है एक और वेरिएंट लॉन्च हो सकता है जो कि है हेलियो G85 के साथ में। अब बात करते हैं प्राइस अकॉर्डिंग, ऑलमोस्ट मानते हैं यहां पे 9000 या फिर जो है 9500 तक का ये फोन होता है हेलियो G85 के साथ में, लेकिन हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि हेलियो G85 के साथ में जो है यहां पे परफॉर्मेंस वाइज में एक अच्छा मिलेगा, लेकिन डिस्प्ले क्वालिटी भी जो है एक अच्छी होनी चाहिए जो कि है फुल HD+, क्योंकि HD+ जो डिस्प्ले है वो G85 के साथ में मतलब कंफर्टेबल नहीं लगी, मतलब एक परफॉर्मेंस वाइज में एक अच्छा एक्सपीरियंस हमें जो है देखने को नहीं मिलेगा। तो गाइस ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो कि लीक आ गई थी और कंफर्मेशन डेट आ गई है कि 3rd of November को जो है इंडिया में लॉन्च होने वाला है। तो गाइस ये था आज के वीडियो में, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। जब से वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, कमेंट करके बताना कि क्या आप वेट कर रहे हो माइक्रोमैक्स के लिए, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बता सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो अपडेट देखने को मिलते रहेंगे। इतना ही था आज की वीडियो में, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।